बच्चे वाकया क्या है, असल वाकया क्या है? असल वाकया ये है कि इस कॉलेज के गार्ड ने एक लड़की का बेसमेंट में रेप किया है, ये वाकया है। और ये लोग मुकर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, प्रिंसिपल मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस वाले कह रहे हैं जो लड़का है गार्ड है जिसका नाम ओन है वो हमारी कस्टडी में है, पुलिस ने हमें पिक्चर दिखाई है, हम पागल के बच्चे हैं कि प्रिंसिपल की बात मैंने, टीचर्स अभी तक बेशर्मों की तरह कह रहे हैं हमें प्रूफ दो। हम किस बात का प्रूफ दें? अंदर जाते हैं तो धक्के मार दिया, इन्होंने बच्चों को बंद रखा अंदर, लड़कों को ले गए हैं। कुछ लड़के हॉस्पिटल में, लड़कियां हॉस्पिटल में। हम पागल अगर हम आज, और हमें ये डरा रहे हैं कि इन्होंने लेडीज कॉन्स्टेबल बुलाई है कि हमें भी ले जाएंगे, अगर हम आज रुक जाएंगे तो ये कल को दोबारा ऐसे करेंगे। आपको पता है कि वो जो विक्टिम है लड़की वो कौन है? हमें लड़की का पता है, उसका नाम पता है, लेकिन ये लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, इसे इन्होंने लड़की के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं। अगर ये इतने बच्चे, लड़की ने कहीं पे कंप्लेन तो की होगी ना? लड़की ने कंप्लेन की है? लड़की ने कहीं की है तो पूरी दुनिया में बात फैली है ना। ये लोग नहीं मान रहे, इन लोगों से कहो अगर ये सच्चे है तो हमें उस दिन के बेसमेंट के सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज दिखाई। कहते हैं बेसमेंट में कैमरा ही नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें पता है किधर किधर कैमरा और ये किधर किधर लगा सकते हैं, हम पागल थोड़ी। लेकिन पुलिस का मौकफ ये है कि अभी तक जो मुतासरा बच्ची है वो सामने नहीं आई, पता ही नहीं चल रहा कि बच्ची कौन सी है। ये उसको सामने आने ही नहीं दे रहे, वो कैसे सामने आई? इधर की टीचरें कह रही हैं हम तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेंगी। क्यों मारेंगी भाई, हम पागल की बच्ची हैं, कल को तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ होगा तब भी तुम यही करोगी। ऊपर से पुलिस वाले इतने बेशर्म है, ये भी उनका साथ दे रहे हैं बेशर्मों की तरह। अगर ये लड़का इन्होंने अंदर पकड़ के लेके गए हैं अभी इधर से।